वेलकम फ्रेंड्स, आपका HTML के ट्यूटोरियल में स्वागत है। इससे पहले हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए HTML का फुल फॉर्म आपको पता होगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आप HTML को चाहे तो नोटपैड में बना सकते हैं, चाहे किसी भी एडिटर में आप HTML को बना सकते हैं। किसी भी एडिटर लाइक नोटपैड प्लस प्लस एंड टेक्स्ट अडोब डीएम वीवर, तो मैं आपको इसमें बताऊंगा एंड टेक्स्ट में, ठीक है। फाइल लिया, न्यू, इसको करेंगे सेव एज। मैंने एक फोल्डर बनाया HTML ट्यूटोरियल, इसमें मैं पहला सेव करता हूँ वेलकम डॉट HTML। HTML एक्सटेंशन से हमने इसलिए सेव किया ताकि पता चल जाए कि ये HTML का पेज है। HTML को स्टार्ट करने के लिए आप HTML से स्टार्ट करते हैं, टैग से, HTML टैग से इसको क्लोज करना है। फिर स्टार्ट करते हैं हेड, ओके, हेड क्लोज। हेड के अंदर आप टाइटल को यूज कर सकते हैं, इसमें लिखते हैं वेलकम क्लोज टाइटल। फिर शुरू करते हैं बॉडी, फिर क्लोज कर दिया हमने। HTML में जो भी कंटेंट शो होंगे वो सारे के सारे कंटेंट बॉडी के अंदर लिखे जाते हैं। आइटल में वो लिखा होता है जो आपको ऊपर शो होता है, ठीक है। किसी वेब पेज को मैं आपको एक मिनट अभी दिखा दो। सपोज ये गूगल है तो यहाँ पे शो हो रहा है गूगल, सेम आइटल ये है, ठीक है। इसका सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ हेडिंग्स के बारे में। HTML में 6 हेडिंग होती है, सबसे बड़ी होती है H1, वेलकम स्टूडेंट्स, H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है। इसके बाद चलिए मैं आपको इसको ओपन करके दिखा दूँ कि ये ओपन कैसे होगा। इसको सेव कर दिया, फिर मैं अपने गया फोल्डर में, फोल्डर से इसको ओपन कर लिया, वेलकम स्टूडेंट्स, ठीक है। H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है, फिर आती है H2, वेलकम H2, ठीक है, H2, ये देखिए H2 से छोटी। इस तरह से H1, H2, H3, H4, H5, H6 तक हमारे पास हेडिंग होती है, ठीक है। अब बात करते हैं पैराग्राफ की। You all want to learn HTML because you all are interested in web designing. वेब डिज़ाइनिंग, ओके। अब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका पैराग्राफ। ओपन करता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ। यू आर वांट टू लर्न HTML, जो भी है, ये हो गया पैराग्राफ, ठीक है, ये हो गया हेडिंग। अब आगे के बताएंगे टैग। अब मैं इसको आगे की ट्यूटोरियल में इसका आगे बताऊँगा, ठीक है। इसके लिए आप मेरे आगे के ट्यूटोरियल को भी देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।